दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अपनी साइट पर जो फर्स्ट मीटिंग व सेकंड मीटिंग के पेपर हुए, सारे क्वेश्चन बुकलेट अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से पेपर हमने अपलोड किया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये सीरीज ए है, इसी हिसाब से आप अपना अपना आंसर क्वेश्चन पहले देख करके बात को मिला लीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ आपका सबसे पहले चार से शुरू होगा इल्तुतमिश, फिर आपका तीन अलाउद्दीन खिलजी आएगा, फिर से एसआर सूरी और सबसे लास्ट में अकबर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, तुकाराम पहला आंसर हो जाएगा। अगला, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछ रहा, तो इसका आंसर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। बी आंसर, चरक संहिता का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध चिकित्सा से है, इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे आइए देखते हैं, निम्न में से कौन सा पेयर सही सुमेली नहीं? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ए डी आंसर, ये आपका ऑप्शन गलत है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों दादा भाई नवरोजी, ये ऑप्शन हो जाएगा। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर दोस्तों एनी बेसेंट व लोकमान तिलक, ये ऑप्शन हो जाएगा। आप आंसर देख करके अपने से मिला लीजिएगा। इसके बाद इसमें ब्रह्म समाज का पूछ रहा, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक, ज्योतिराव फूले, ये हो जाएगा। यानी कि एक के साथ तीन आएगा, बी के साथ एक आएगा, सी के साथ दो आएगा, डी के साथ पाँच आएगा, यानी तीन एक दो पाँच, तीन एक दो पाँच किसमें है? इसका आंसर तीन एक दो पाँच, सी आंसर इसका सही जाएगा। करो या मरो का नारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो दोस्तों पट्टाभ सीतारमैया इसमें हार हुई थी, जिसको गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार माना था। इसी के बाद दोनों में क्या हुआ, मनमुटाव की भावना आ गई और फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, इसका आंसर 10 का सी हो जाएगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये सलाल और उसके बाद दुलहस्ती बगलिहार चिनाब नदी पर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बसंत बिसो 21 मार्च को होता है, तो इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। राजस्थान में खेतरी परियोजना किसके उत्पादन के लिए जानी जाती, तो इसका आंसर दोस्तों तांबा हो जाएगा। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? तो काजीरंगा जो है ये आपका काजीरंगा असम में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं? तो दोस्तों इसका काट दीजिए, कावेरी काटिए, गोदावरी दक्षिण भारत की हैं, तो दो और तीन बचेगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, बैंक दर का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बैंक दर देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही बैंक दर कहा जाता है, जो दीर्घकालीन लोन RBI के द्वारा कमर्शियल बैंक को दिया जाता है। दोस्तों अगला पूछ रहा, CRR को कम किया गया तो इससे क्या होगा? तो इसमें जो साख सृजन क्रेडिट क्रिएशन है ये आपका इंक्रीज हो जाएगी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता? तो दोस्तों ये पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता? तो ये होता RBI के गवर्नर, इसका 19 का आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों फेमा की फुल फॉर्म पूछ रहा, फेमा आया 1999 में, इसका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो ये राज सूची का विषय है, इसका ए हो जाएगा। दोस्तों भारत में पंचायती राज किसके अंतर्गत रखा गया? तो आर्टिकल 40 DPSP के अंतर्गत इसको रखा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसे 86वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया 21A में और 2002 में इसको शामिल किया गया है। अगला, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा कब 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो आपको दो आर्टिकल पता होंगे, 29 और 30, इसमें 29 दिया, तो इसका आंसर सी होगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर सी। अगला, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष निर्वात में चली गई प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46×10^12 किलोमीटर या 15 मीटर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl2 बोलते हैं, तो इसको 28 का आंसर बी हो जाएगा। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता? तो 18/24×100 करोगे तो 36 18 6 24 4 25 25 75% इसका निकल आएगा, तो इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता? विटामिन सी, ए हो जाएगा। अगला ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हल करोगे तो इसका हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं, 324 आ जाएगा। अगला वाले में ये 885×885, इसको हल करोगे तो 1000 हो जाएगा। ऊपर a³ + b³ बन रहा, इसको खोलोगे तो ये 1000 आंसर आ जाएगा। 33 में √5 - √3/√5 + √3, इसको नीचे से मल्टीप्लाईकेशन करोगे तो इसका आंसर सीधे बी आंसर हो जाएगा। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 16% ये घटेगी, तो इसका आंसर 34 का डी हो जाएगा। चार प्लेयर्स की औसत उम्र 18.5 वर्ष, अगर कोच की उम्र 20 में शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती, तो कोच की उम्र इसको हल करोगे तो दोस्तों 37 वर्ष आपका ये निकलेगा। एकल का विलोम शब्द क्या होता? दोस्तों इसका आंसर बहुल हो जाएगा। अगला, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? तो दर्प का अहंकार है। अगला हो जाएगा, मन को हरने वाला वाक्य के लिए शब्द क्या प्रयोग किया जाता? मनोहर शब्द प्रयोग किया जाता। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोरई में बहुत कहना, इसका आंसर बी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का है तो ये महत्वाकांक्षा, इसमें महत्वाकांक्षा आधा डबल ता होंगे, ऐसे लिखा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जो वासुदेव नंदन की पतली सी बुक आती उसमें दिया हुआ है। अगला इंग्लिश वाले पे आते हैं, एम इसको पैसेज आप रीड कर लीजिएगा। नेहरूज वाज ए मेनी साइड पर्सनालिटी, ही इंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही इंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स आर रेसिस्टिंग टायरनी। इन हिम द साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन द परफेक्ट बैलेंस, व्हाइल ही केप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम ए साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नोरिश द टोटल मैन। एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बिलीव इन ए वेनी वायलेंट पावर इंटरेस्टेड इन माइंस अफेयर्स, बट एज ए सेल्फ interested in mind's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and beauty of nature. Children he adored, unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope of mankind. तो इसको पढ़ने के बाद जो आंसर निकलता है, ये माइन साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या है? तो ये आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। ए पर्सन हैविंग वरीड इंटरेस्ट, पंडित नेहरू इंजॉयड, तो इसका आंसर पैसेज में सारे दिए हुए हैं, डूइंग ऑल दीज मच मोर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पीटी नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका इक्वली ये साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आते हैं, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, फेमस फेमस का पॉपुलर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का ओपेक हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका विलोम पूछ रहा है, तो पक्षी विज्ञानी पक्षी नृविज्ञानी का संबंध आपका क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आते हैं, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो तेल ये आपका अलग है, बाकी दही मक्खन पनीर दूध से बनते हैं। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, तो प्लस माइनस लेकिन बीच में एक दो भी हुआ है, तो इसको आप हल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा इसका, इसको देख लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। अगला, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी पुत्र माँ के पुत्र क्या इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बुआ, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को शुक्रवार तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी? तो इसका निकालोगे तो ये 5, इसका आंसर आ जाएगा, पूरे महीने का पूछ रहा है। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस
परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ तो इसका आंसर पटना सही जाएगा, पटना में नहीं हुआ। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की पांचवी सबसे मजबूत ब्रांड, तो ये रिलायंस जियो इसका आंसर हो जाएगा। बोल्ड ये शुरू किया गया राजस्थान में बांस को प्रमोट करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड 19 की वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन है, घाना इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो इसका आंसर सिरिसा बांदला ये आंसर हो जाएगा। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, तो इसका सुमित मलिक बी आंसर हो जाएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू है, तो इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, स्मार्टफोन वीवो ने किस भारतीय प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली ए आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल जिसे सुपास के नाम से जाना जाता, इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया। आगे देखते हो दोस्तों, कितने भारतीय राज्य नेपाल से साझा करते हैं, तो इसका आंसर पहला आंसर 5 हो जाएगा। निम्न में से कोस्टारिका किसकी राजधानी है, तो ये सान जोस की राजधानी कोस्टारिका है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या, तो इसका आंसर मलयालम हो जाएगा। आगे, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो वर्तमान का पूछ रहा, तो ये 550 हो जाएगा इसका आंसर। 104 संविधान संशोधन से यह संख्या घटा दी गई, 2 हटा दिया गया एंग्लो इंडियन वाला। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, तो सार्क वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सार्क का इसमें म्यांमार हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान पर अजंता एलोरा, तो ये औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में ये स्थित है। अगला, ओनम ये कहाँ होता है, तो ओनम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन, बुध है वो। उसके बाद, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए 1912 में दिया गया था। अगला पैसेज पूछ रहा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। आगे, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो इसमें अहिंसा एवं प्रेम। उसके बाद, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता अहिंसा के द्वारा, इसका आंसर सही हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो इसका आंसर सुख शांति और रचनात्मक कार्य डी हो जाएगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची क्या है, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भलीभांति विद्वत ये सेम सेंस में है। आगे देखिएगा दोस्तों, कहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ आगे देखिएगा दोस्तों, ये 75 हो ही चुका। अगला पैसेज फिर इसमें दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य में क्या होता है, तो ये आपका प्राकृत और प्रमरी जगत का सिरमौर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली है, तो इसका आंसर ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, तो यातायात एवं संचार साधन का विकास। हस्तामूलक सबसे प्रेत क्या है, तो इसका पैसेज के हिसाब से देखेंगे तो स्पष्ट एवं अनायास बोधगम डी हो जाएगा। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है, तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, इसका आंसर डी हो जाएगा। 81 पे आते हैं, तो 81 का ये इसको हल करोगे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगले वाले का हल करोगे तो इसका आंसर 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। अगले वाले का हल करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 90 हो जाएगा। अगले वाले का ये हल करोगे तो 1.2 आंसर इसका आ जाएगा। अगला हल करोगे तो इसका आंसर 75 इसका आ जाएगा। ये वाला हल करोगे तो इसको हल करने पर आंसर आपका 2019-20 आ जाएगा। हल करके आप देख लीजिएगा। अब अगला ये हल करोगे तो ये 22.2 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला हल करोगे तो ये 62.5 आ जाएगा। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष में घटावट आई है, तो ये देखोगे इसमें घटावट ये आपका 2018-19 इसका हो जाएगा। कहाँ गया, 2018-19 इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला, 2019
2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 से कंपेयर पूछ रहा, तो इसका डी आंसर 3:4 आ जाएगा। आगे ये देखते हैं, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, तो इसको हल करोगे तो आंसर आएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा, ये वाला आप इसको हल कीजिएगा तो इसमें निकल आएगा। फिलहाल अगले वाले को बता दे रहे, 19.05 निकलेगा। अगले वाले का ये हल करोगे तो इसका ये भी हल कर लेना, ये हल करने पर समय ध्यान नहीं आ रहा कितना आएगा। ये अगला वाला भी आप इसमें हल कर लीजिएगा, इसको आप हल कर कीजिएगा, आराम से इसका आंसर निकल आएगा। उसके बाद ये अगला वाला देख लेते हैं, इसमें सितंबर हो जाएगा, ये वाला 96 का 97 पे आइए, 97 पे 35.3 हो जाएगा। उसके बाद ये अगले वाले का 1.04 आंसर निकलेगा, हल करोगे। अगला हल करोगे तो ये ट्रेड बुल वाला ये निकलेगा। अगला हल करोगे तो कितना है 57.82 निकलेगा। तो ये आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन थे जो हमने अपनी तरफ से आंसर की बता दी। अगर किसी को कोई डाउट लगता तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर रहा, इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। तो सेकंड जो शिफ्ट में हुआ उसका भी आंसर की अपलोड अभी कर दी जाएगी, दोनों आप अपना मिला लीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ऑफिशियल आंसर की से नहीं होगा, तो ये ऑफिशियल आंसर की भी 1-2 दिन में आ जाएगी, आप उससे भी आगे मिला लीजिएगा। फिलहाल बहुत आपके एक्यूरेट आंसर बताए गए हैं। जय हिंद, जय भारत।